सो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं जा रहा हूँ एक शॉर्ट राइड में, जो कि है नेपाल कन्याम की तरफ, जो मेरे घर से करीबन 50 से लेकर 60 किलोमीटर दूर पड़ेगी। तो दोस्तों वहाँ तक मैं जाऊँगा, तो और रास्ते में एक मंदिर पड़ता है जो कि काफ़ी फेमस मंदिर है, जिसको कहते हैं पाथीवरम मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इंजॉय कीजिए इस रास्ते को और बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ में। इस तरफ से हम लोग को जाना है इमिग्रेशन करने के लिए, साथ में कस्टम जो ड्यूटी हम लोग लगता है नेपाल, जो कि भंसार कहते हैं, ये ऑफिस जाने के लिए रास्ता है, जो कि आप देख रहे हैं बिल्डिंग दाहिने साइड में, वहाँ पे हम लोग भंसार कर सकते हैं, जो कि 100 रुपया आई थिंक पर डे के लिए हिसाब से करेगा टू व्हीलर के लिए। तो मैं ये रहा डॉक्यूमेंट जो मैं, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप सामने, वहाँ पे जाके हम लोग को क्लियर करना है। पहले तो फॉर्म भरवाना है, उसके लिए 20 रुपये करीबन लगेगा। तो चलिए जाते हैं और फॉर्म भरवाते हैं। सो गाइस, ये हो चुका है मेरा फॉर्म फिलअप और हम लोग इस बिल्डिंग में जाके हम लोग को कुछ 100 रुपया पर डे के हिसाब से पेमेंट करना होता है, और उसके बदले में हम लोग को एक रसीद मिलता है, वो रसीद से ही हम लोग पूरा नेपाल घूम सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों मेरा पेपर वर्क रेडी हो चुका है, तो अभी चलते हैं, एक ही बार में मिलते हैं कन्याम में। अभी हम लोग आए हैं पेट्रोल भरवाने यहाँ पे, जो नेपाल में, और यहाँ पे थोड़ा पेट्रोल इंडिया के मुकाबले थोड़ा सस्ता है, जो कि यहाँ का जो नेपाल करेंसी में 106, जो कि 106 रुपये 50 पैसा करीबन है। तो हमारा उधर का करीबन
मतलब 62 रुपीस जैसा पड़ता है, 63 आप लोग पकड़ लीजिए, और 10 रुपये कम से कम भी 10 रुपये कम इंडियन करेंसी में 10 रुपये कम है, जो कि यहाँ पे 106.5 पर लीटर है, जो कि हमारा उधर जो है 73 के आसपास है हमारे यहाँ पे सिलीगुड़ी के एरिया में। तो दोस्तों यहाँ के जो लेकिन पेट्रोल पम्प वगैरह हो जो काफ़ी छोटा होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर एपिसोड ब्लॉग। सो गाइस इट्स गुड आफ्टरनून फ्रॉम कन्याम नेपाल। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं कन्याम नेपाल, जो कि काफ़ी बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है। तो दोस्तों अभी तो बहुत फॉग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ का व्यूज़ अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धूप होने की वजह से यहाँ पर दिख रहा है। अभी हम लोग रिटर्न हो रहे हैं और घर की तरफ जाएंगे अभी, क्योंकि काफ़ी फ़ोटो वगैरह हो गए हैं। तो ये सब फ़ोटो वगैरह दोस्तों मैं इंस्टा में पोस्ट कर दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टा और फेसबुक पेज में फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ गो एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज, लिंक्स आर गिवन बिलो। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।